अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल रेसिपी जो कि है चिकन ब्रेड पॉकेट्स। तो ये रेसिपी जो है देखने में जिस तरह मज़े की लग रही है, बनती भी इसी तरह मज़े की है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ली है यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और बोनलेस चिकन, उसे बारीक क्यूब्स में काट लिया है। और इसके बाद हम पैन लेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे और फिर उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। फिर हम इसमें बोनलेस चिकन शामिल करेंगे और इसे भी कलर चेंज होने तक पकाएंगे। और कलर चेंज होने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टीस्पून काली मिर्च, और इसके बाद 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। और फिर 1 टीस्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे, और पानी हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। अब हम इसको पकने देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर, इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। और पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे और इसमें हम गाजर शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। हमने जो है वो शिमला मिर्च और गाजर को सिर्फ हल्का सा नरम करना है। तो मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम फ्लेम बंद करेंगे। अब हम एक बाउल में बंद गोभी शामिल करेंगे और जो हमने बैटर तैयार किया था उसे शामिल करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें मेयोनीज शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को इफ्तार में बना सकते हैं या फिर आप बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं। खसूसन बच्चे तो इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अच्छे से हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम बनाएंगे ब्रेड पॉकेट्स। तो इसके लिए मैंने ली है यहाँ पे 2 ब्रेड्स, और इसे हम किसी भी गोल चीज़ की मदद से काट लेंगे। और जो इसके किनारे हैं वो वेस्ट नहीं करने हैं, उन्हें हम साइड पे रखेंगे। और ब्रेड को हम बेलन की मदद से इस तरह से बेल लेंगे। और फिर इसके बाद जो ब्रेड के किनारे हमने निकाले थे उसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ये जो ब्रेड क्रम्स हैं इसे हम बाद में ब्रेड पॉकेट्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और ब्रेड क्रम्स हमारे बनके तैयार हैं, इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके बाद हमें चाहिए होंगे 2 अंडे, इसको भी हम तोड़ के फेंट लेंगे अच्छी तरह से। और ये जो अंडे और ब्रेड क्रम्स है इसको हम ब्रेड पॉकेट्स बनाने में यूज़ करेंगे। तो जो हमने ब्रेड काटी थी उसको सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और हम इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद गरम गरम ऑयल में हम इसको डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर इस तरह से फूल जाएंगे और इनका जो कलर है वो भी आ जाएगा। तो जो ब्रेड है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इसी तरह से बाकी की सारी ब्रेड्स भी तैयार कर लेंगे। और ब्रेड तैयार करने के बाद इसको हम इस तरह कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से काट लेंगे और जो हमने बैटर तैयार किया था वो इसमें फिल कर देंगे। और हमारी बहुत मज़े की ब्रेड पॉकेट्स बनके तैयार हैं। बाकी की सब ब्रेड पॉकेट्स भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको सर्व कर लेंगे और माशाल्लाह से ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी इसी तरह बहुत मज़े के थे। तो इस इफ्तार आप भी ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।